चलिए तो अब जब तक हमने थ्योरम पढ़ लिए तो अब हम सेकंड एक्सरसाइज को चालू कर सकते हैं सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को मैं चालू करने जा रहा हूं इन फिगर 6.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो शोड ए बी इज पैर टू सी डी यहां फिगर देखने की जरूरत नहीं मैंने अपनी कॉपी में बना लिया तो ये बंदा बोल रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और बोलो कि ये दोनों लाइन क्या है फिर पैरल ये बहुत ईजी है बच्चों का समय बहुत आसानी से हो देखिये अब एंगल वाईजी डिग्री हो जाएगा ये और ये दोनों इक्वल क्यों आप ही बताइए क्यों क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम पढ़ क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अच्छा मैं वीओ ए लिख सकता हूं आप नहीं लिखेंगे ठीक है तो एंगल वाई वन थर्टी आ गया अब एक्स की बात कर लेते हैं तो अब मुझे आप बताइए ये दोनों एंगल का सम क्या होगा वन एटी क्यों होगा लीनियर पेयर से तो हम लिख देते हैं 50 प्लस एक्स इज टू वन क्या लिखेंगे लीनियर पेयर ठीक है अब x की वैल्यू इससे मेरी निकलेगी 130 x की वैल्यू 130 y की वैल्यू 130 ठीक है x 130 y वैल्यू y 130 तो हम क्या ये कह सकते हैं कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल क्यों इक्वल क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम है 130 130 तो x और y जब इक्वल हो गए एंगल x और एंगल y जैसे मैंने आपको थ्योरम में पढ़ाया था कि जब एक ट्रांसफर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं अब आप इसका अपोजिट करिए कि जब दो अल्टरनेट एंडर एंगल इक्वल होते हैं और ट्रांसफर्सल होती है तो लाइंस क्या होती है पैरेलल तो हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी यही करना था हमको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ भी अगर मान लीजिए मान लीजिए कि ये वाई 130 ना आके कुछ और आता ये 110 आता तो ये पैरेलल नहीं होते क्योंकि दोनों को इक्वल होना चाहिए दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ठीक है क्वेश्चन टू की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन टू देखते हैं क्या है चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये भी इजी है इफ ए बी पैरल टू सी डी एंड सी डी पैरल टू ई एफ और ये दिया वाई जेड रेशियो थ्री टू सेवन और बोला है कि एक्स को निकाल के बताओ देखिए बहुत ईजी इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी के पैरल है और सी डी ई एफ के पैरल तो क्या मैं इन दोनों से ये देख सकता हूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए बी एफ के भी पैरल है ये दोनों आपस में इक्वल मतलब सॉरी ठीक है ये दोनों हो गई और ये दिया हुआ है 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 रेशियो में अब अपने को पता जब लाइंस होती है और ट्रांसवर्सल उनको काटती है तो कौन सा एंगल इक्वल होता है बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये दोनों लाइन को आप देखिए तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे एक्स और जेड तो इससे क्या होगा एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है अब तो हमने ये कर दिया है अब हम निकालते हैं देखिए फिगर में ध्यान रखते है जरा फिगर बना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अब देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए एंगल एक्स और एंगल वाई क्यों वन एटी क्योंकि ने फोर्थ थ्योरम में पढ़ा था कि जब ट्रांसवर्सल काटती है तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम होता है तो इसमें लिख दीजिए एंगल्स सप्लीमेंट्री ठीक है और अपने को यह भी पता है एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल है तो मैं क्या जेड और इसकी जगह पुट कर सकता हूं तो एंगल जेड प्लस एंगल वाई हो गया वन एटी डिग्री और अपने को यह दिया हुआ था कि Z और Y रेशियो में है सॉरी Y और Z Y और Z रेशियो में है थ्री टू सेवन के तो अपने रेशियो होता है तो थ्री एक्स और सेवन ले एक्स लेते हैं Z की जगह सेवन एक्स लिख दो और इसकी जगह लिख दो थ्री एक्स तो वन एटी टेन एक्स तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन ठीक है एक्स की वैल्यू आ गई टेन तो मैं जेड की वैल्यू निकाल सकता हूं जेड को अज्यूम किया था सेवन एक्स तो सेवन इन टू

ये बड़ा सा एंगल है 126 डिग्री और ये बोला है FED 90 क्योंकि उन्होंने परपेंडिकुलर बोला था निकालने तीन एंगल है याद रखना AGE AGE मतलब ये वाला एंगल फिर GEF GEF मतलब ये वाला एंगल फिर FGE FG E ठीक है ठीक है तो GEF GEF मतलब ये वाला एंगल छोटा सा और FGE मतलब ये वाला ये दो और एक तीन देखिए बहुत इजी है, है। थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना देखिए सबसे पहले मैं ये वाला एंगल निकाल के बताता हूं देखिए, सबसे पहले अपन लिखते हैं कि GED, मेरे को बताइए आप ये जो जीईडी है ये जो बड़ा सा एंगल है ये कौन से दो एंगल का सम है ये एंगल कौन से दो एंगल का सम है एक तो ये वाला एंगल का सम है और एक ये वाला एंगल का सम है यही यह है ना मैं लिख देता हूं एंगल जीई एफ e प्लस एंगल एफ डी e, दोनों के सामने जीईडी की वैल्यू दी हुई है कुछ दिया नहीं हुआ है और एफईडी नाइनटी तो मेरी जीई एफ e की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी थर्टी सिक्स डिग्री देखिए एक तो निकाल लिया मैंने ठीक है जी ये एक चीज निकल चुकी है अब दूसरी चीज निकालते हैं ये देखिए अब अपन निकालते हैं ये वाला ए ई ए ई ए जीई e. तो मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना ये एंगल और ये एंगल ये बड़ा सा एंगल याद रखना मतलब अगर मैं ये भी बोल दूंगी ये ये दोनों मतलब उसको साइज बढ़ा दे दी ये और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल है क्यों क्यों क्योंकि दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये और ये तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए जी ईज इक्वल्स टू एंगल जीईडी तो लिखो ब्रैकेट में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ए जी ई की वैल्यू क्या हो गई 126 डिग्री ठीक है जी अब दूसरी चीज भी निकल चुकी है अब तीसरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तीसरी में दिमाग खत्म होता है देखिए तीसरी कैसे निकालनी है ध्यान से देखिए पहले तो मैं लिखता हूं एफ ई डी प्लस एफई सी फिजिकल्स टू वन एटी डिग्री ये एंगल और ये एंगल दोनों का वन एटी क्यों लीनियर पेयर एफईडी की वैल्यू है नाइनटी तो मेरा एफई सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी नाइनटी ठीक है एफई सी इज इक्वल्स टू नाइन्टी यही लिखा अब देखिए एफ ई सी ये जो बड़ा सा एंगल है ये वाला पूरा बड़ा एंगल ये कौन से दो एंगल से बना है एफ ई सी इज इक्वल्स टू एक तो ये एंगल से बना है छोटे वाले से और एक ये एंगल से बना है ठीक है यही बना है तो मैं लिखता हूं एंगल एफ ई सी इज इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ ये वाला एंगल प्लस एंगल जी ईसी जी ई सी ये वाला एंगल इन दोनों से बना एफई सी e, की वैल्यू क्या निकली थी अपनी नाइनटी जीई एफ की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थर्टी सिक्स प्लस जी सी e, तो मेरी जीई सी e, की वैल्यू आ जाएगी मेरी जीईसी e, की वैल्यू आ रही है फिफ्टी फोर डिग्री जीई सी मतलब ये वाला अब मेरे को बताइए जी सी e, इज इक्वल्स टू अपना ये वाला एंगल एफ एंगल एफ जीई क्यों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वापिस से देखिए तो अब एफ जी ई की वैल्यू क्या आ गई 54 डिग्री समझे ये ऐसे करना था अपने को ठीक है बहुत इजी है एक बार वापस रिवाइंड करना वीडियो को तो आराम से देखिए हमने पहले 90 निकाला फिर एफईसी की दो एंगल से बना तो जीईसी की वैल्यू आ गई फिफ्टी फोर तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे तो दोनों को साथ कर दिया ठीक है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इस क्वेश्चन में लिख दिए पर उन्होंने एक हिंट दिए ड्रॉ लाइन पैरल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर मतलब उनको एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने को जो एस टी के पैरल है कहां से आर से तो अपन ने ड्रॉ करते हैं जिसको मैं नाम दे देता हूं एक्स ठीक है अब तो मेरे को एंगल निकालना है क्यू आर एस ये वाला एंगल निकालना है सोचिए कैसे निकाल सकता हूं मैं जी बहुत इजी है सबसे पहले अपन करते हैं पी क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू आर एक्स पी क्यू आर ये वाला एंगल पूरे इस बड़े से एंगल इस पूरे बड़े एंगल का इक्वल है क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ठीक है ये लिख दिया मैंने एक स्टेप अब देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 होगा क्यों होगा एंगल्स ऑन द सेम साइड मतलब सप्लीमेंट्री होते हैं जब अपन इंटीरियर एंगल की बात करते हैं ये और ये और तो मैं लिखता हूं एंगल टी एस आर प्लस एंगल ये वाला और ये वाला एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल ठीक है ये लिख दिया मैंने अब देखिए टी सॉरी टी एस आर रही है सॉरी टी एस आर अब टी एस आर की वैल्यू है वन थर्टी प्लस एस आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अब एस आर एक्स की वैल्यू अभी फिफ्टी ठीक है ये हो गया अब देखिए जब मैं क्यू आर एक्स लिखता हूं ये फाइनल स्टेप है क्यू आर एक्स मतलब ये पूरा बड़ा एंगल ये कौन से दो एंगल से बना है एक तो ये से और एक तो ये से तो एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एक्स जी नींदों से एक और एक क्यू आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां देखिए क्यू आर एक्स की वैल्यू अपन ने देखी थी वन वन जीरो है यहाँ लिख देता हूं क्यू आर एक्स इक्वल टू वन वन जीरो क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर था तो वन वन जीरो क्यू आर एस अपने को निकालना था एस आर एक्स की अभी निकाली पचास तो क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी कितनी साठ डिग्री ये हो गया आपका क्वेश्चन बहुत ईजी था चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये क्वेश्चन है इसमें बोला है हमको ये 127 है और ये फिफ्टी देख लीजिए ये और ये ये, ये दोनों सामने इक्वल क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जी बार बार बोलते आ रहे हैं वो ही चीज़ है तो एंगल एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थोड़ा सा वाई का फंडा है देखिए कैसा है अब एंगल पी आर डी मुझे बताइए जो एंगल पी आर डी है ये इनसे बना मतलब तो ये दोनों आपस में इक्वल तो इस एंगल का नाम हो जाएगा तो एंगल एपीआर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ठीक है पी आर डी की वैल्यू क्या वन ट्वेंटी सेवन क्या एपीआर की वैल्यू है अपने पास नहीं है तो एपीआर अपने को पता है दो एंगल से बना है फिफ्टी और वाई ये दोनों से तो लिखूंगा मैं फिफ्टी प्लस वाई तो मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी सेवनटी सेवन माइनस कर दिया ठीक है थीके? तो एक्स फिफ्टी सेवन ये आपकी सीरीज हो चुकी मतलब ये एक्सरसाइज हो चुकी है अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो मत मिस करना ठीक है तब तक एंड लर्निंग थैंक यू